अस्सलामुअलैकुम, सेफ सिटी टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद फाइक। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आईजी पंजाब इनाम गनी की जेरे सदारत पुलिस फोर्स के ट्रेनिंग अवार्ड से मुतालिक सीपीओ में इजलास। इजलास में यौम पाकिस्तान परेड में पंजाब पुलिस के दस्ते की शिरकत बारे अवार्ड का जायजा लिया गया। आईजी पंजाब इनाम गनी का कहना है कि यौम पाकिस्तान परेड इंतहाई अहम कौमी तकरीब है जिसमें पंजाब पुलिस के दस्ते की शिरकत काबिले फख्र होगी। इस्लामाबाद में होने वाली यौम पाकिस्तान परेड में पुलिस दस्ते की शिरकत के लिए बेहतरीन इंतजाम किए जाएं। दस्ते में शामिल पुलिस अहलकारों की तैयारी और प्रैक्टिस के लिए सीनियर अफसरान अपनी निगरानी में इकदाम को सीटीओ लाहौर कैप्टन रिटायर्ड सईद हमाद आबिद की शहीद ट्रैफिक वार्डन तनवीर इकबाल की कब्र पर हाजिरी। लाहौर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। श्रीलंकन टीम की हिफाजत करते हुए जामे शहादत नोश करने वालों को आज 12 साल बीत गए। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर का कहना था कि शहीद तनवीर इकबाल श्रीलंकन टीम के साथ बतौर पायलट ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। शहरियों के जानो माल के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाते हुए जान का नजराना पेश करने वालों को सलाम। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के वफ्द का पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का मुतालियाती दौरा। वफ्द में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के तलबा और तालिबात और असातिज़ा शरीक थे। वफ्द को अथॉरिटी के ऑपरेशंस एंड मॉनिटरिंग सेंटर, एमरजेंसी कंट्रोल और डिस्पैच कंट्रोल सेंटर की वर्किंग बारे भी बताया गया। यूनिवर्सिटी के तलबा का अथॉरिटी के डाटा रिसर्च करने में दिलचस्पी का इजहार। पुलिस लाहौर ने दो पतंग साज गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान घर में पतंगे तैयार करके फरोख्त करते थे। मुलजमान के कब्जे से पतंगे बनाने का सामान बरामद। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई। ये थी अब तक की खबरें। मजीद अपडेट्स और खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.pscar.tv।